दोस्तों, टीवी सीरियल वो रहने वाली महलों की साल 2005 का सुपर टीवी सीरियल हुआ करता था। यही वजह है कि ये सीरियल 6 साल तक सभी का मनपसंद सीरियल बना रहा, जिसको दर्शकों ने 6 साल तक अपना भरपूर प्यार भी दिया और इस सीरियल को नंबर 1 सीरियल बना दिया। लेकिन हम आपको बता दें कि सीरियल में रीना कपूर लीड रोल निभाती हुई नजर आई थी, जिनको दर्शकों ने अपना भरपूर प्यार दिया। लेकिन हम आपको आज रीना कपूर के बारे में नहीं बल्कि उनके हस्बैंड के बारे में बताएंगे, जो दिखने में काफी हैंडसम है। अगर आप भी इनके पति के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, रीना कपूर का जन्म 11 जनवरी 1986 को उत्तर प्रदेश में हुआ। 2004 में ये मुंबई घूमने आई थी, जहां एक डायरेक्टर की नजर इन पर पड़ी और इन्होंने इनको सीरियल वो रहने वाली महलों की में काम करने का मौका दे दिया, जो कि इनका डेब्यू शो साबित हुआ। इस सीरियल में इनके अपोजिट करण ग्रोवर नजर आए थे। अपने पहले ही सीरियल में इन्होंने सभी का दिल जीत लिया और आज भी दर्शक इनको इसी सीरियल के जरिए जानते हैं। इसके अलावा इनको प्रति चौधरी में भी देखा गया। वहीं ये बॉलीवुड इंडस्ट्री की सुपरहिट फिल्म डुप्लीकेट शोले का हिस्सा रह चुकी हैं। हाल ही में रीना कपूर को टीवी सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की में रुबीना दिलेक की मां का किरदार निभाते हुए देखा गया, जिसको दर्शकों ने खूब पसंद किया। लेकिन बात करें इनके पति की, तो इनके पति का नाम करण निघेल है, जो दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम नजर आते हैं। जहां एक ओर रीना कपूर टीवी इंडस्ट्री की जाने माने अभिनेत्री है, तो वहीं दूसरी ओर इनके पति टीवी के जाने माने डायरेक्टर है, जिन्होंने कई टीवी सीरियल को डायरेक्ट किया है। इनके द्वारा बनाए गए सीरियल को दर्शक खूब पसंद करते हैं और आज रीना कपूर की तरह इनके पति भी काफी ज्यादा फेमस हैं, जिनको दर्शक काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इन दोनों की जोड़ी को भी दर्शकों को बड़ी अच्छी लगती है। तो दोस्तों, आप सभी को रीना कपूर का पति कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ना। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़े और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।